Hello everyone, welcome back to another video from your book of English language. The name of our book is Grammar Glitter or Jesse and we are starting the Brain Root series. Today, we are going to start with chapter number 22, preposition. But now, as we are moving forward with our grades in our classes, humko aur achhe level pe usko seekhna hai. To chale, dekhenge hum. The words that establish a relationship between a noun and a pronoun with the other words in a sentence. ठीक है, जैसे देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, शी फाउंड माई हाउस इन डिफिकल्टी. ठीक है, तो जो हमारे बेसिकली वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन और जो दूसरे वर्ड्स हैं सेंटेंस के, उनके बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, उनको जॉइन करते हैं या फिर उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने में हेल्प करते हैं, वो हमारे प्रपोजिशंस होते हैं. ठीक है, सबसे पहले है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज अ प्रपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. ठीक है, जो वो नाउन और प्रोनाउन जो प्रपोजिशन को फॉलो करता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है. जैसे सेंटेंसेस देखेंगे, द डॉग जम्प्ड ऑन इट, समिता इज, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे एंड जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, मी. वेरी गुड. नेक्स्ट, माई फादर हैज़ गॉन टू वर्क, सो टू हमारा क्या होगा, प्रपोजिशन and work is our object. I stared at the screen. तो at हमारा preposition होगा और screen object. Fourth देखते हैं, we could see the volcanic lava from a distance. तो इसका क्या होगा, from हमारा होगा preposition, volcanic lava क्या है, object. ठीक है, I hope आपको समझ आ गया होगा. Last four, please try yourself as your homework. अभी आप try करिए तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. ठीक है, आगे देखेंगे. नेक्स्ट इज सम कॉमनली यूज प्रपोजिशन एंड देयर यूजेस. सबसे पहले है इन एंड एट. इन कब यूज़ करते हैं, विद द नेम्स ऑफ लार्ज टाउन्स एंड कंट्रीज. जब हम लार्ज टाउन्स और कंट्रीज की बात करेंगे तो इन यूज़ होगा. एट कब यूज़ होगा, स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस के लिए. स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस के लिए एट यूज़ होगा. जैसे ताजीन लिव्स एट सरोजनी नगर इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अंदर है ना सरोजनी नगर, तो जो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा सराउंडिंग है, लार्ज है, उसके साथ हम इन यूज़ करेंगे. बट जो अंदर का है, मतलब थोड़ा यू नो स्मॉल है, उस बड़े एरिया का स्मॉल प्लेस है, उसके साथ हम एट यूज़ करेंगे. नेक्स्ट देखेंगे इन और इन टू का एग्जांपल. इन कब यूज़ करते हैं, जब चीज़ें रेस्ट पे होती हैं, किसी चीज़ के अंदर कुछ पड़ा है और वो रेस्ट पे है, तो हम इन यूज़ करेंगे. इन टू कब यूज़ होगा, जब वो पर्टिकुलर चीज़ मोशन में हो. जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इनका, माई पेंसिल इज इन द पेंसिल बॉक्स, तो वो पेंसिल जो है वो पेंसिल बॉक्स में रेस्ट स्टेट पे पड़ी है, लाइक दैट, राइट. आई पुट माई पेंसिल इन टू माई पॉकेट, तो तुमने खुद से ऐसे मोशन में तुम रख रहे हो उसको, ठीक है, पॉकेट के अंदर. इन टू क्या, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर से, ऑफकोर्स मोशन में होगी ना वो कैट, सो दैट्स वॉट इट इज अपॉन. नेक्स्ट इज द मून इज ओवर द हट. ओवर कब यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ से ऊपर है कोई चीज़ पर वो टच नहीं कर रही, वो थोड़ी हाइट पे है. मतलब अगर ये एक चीज़ है और उसके ऊपर यहाँ है दूसरी चीज़, तो दिस इज़ ओवर बेसिकली, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं. इन और विदिन की बात करेंगे. इन कब यूज़ होता है, जब पर्टिकुलर टाइम की बात करें हम, कि हाँ मैं इतने दिनों में ये काम कंप्लीट कर दूंगा. यू एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम. विदिन मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम, कि मतलब इस टाइम जो आपने मुझे टाइम दिया है उससे पहले, इस टाइम के अंदर अंदर मैं ये काम खत्म कर दूंगा. एग्जाम्पल देखेंगे, माई फादर विल कम्प्लीट हिज प्रोजेक्ट इन अ मंथ, एक मंथ में कर देंगे. शी विल रिटर्न विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर अंदर वापस आ जाएगी. ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा. आप जितना प्रपोजिशंस को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, आई वुड गिव यू अ टिप, आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे. पर इसके लिए भी आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है. बिटवीन और अमंग की बात करें, बिटवीन यूज़ होता है दो लोगों के बीच की. जब हम बात करें, आई एम सिटिंग बिटवीन फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, तो आई एम बिटवीन, मैं बीच में हूँ. अमंग मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में. आई वॉज यू नो स्टैंडिंग अमंग थ्री स्टूडेंट्स व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट माई रिजल्ट. ठीक है, तो मैं तीन बच्चों के बीच में था. गॉट इट. नाउ एग्जाम्पल देखेंगे, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज टू सन्स एंड टू डॉटर्स. तो आप देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे, चार लोग हैं, चार लोगों में बांटा है, तो अमंग यूज़ करा है. बिटवीन इज जस्ट फॉर दो लोग हैं उसके बीच में.
माई कैट शेयर द ब्रेड बिटवीन themselves. ठीक है, अब विद और बाय की बात करेंगे. विद डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट, बाय डिनोट्स द डूअर एजेंट. जैसे द हंटर किल द टू बर्ड्स विद वन शॉट. ठीक है, तो जो डूअर है बेसिकली उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, बाय. और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जिस चीज़ के साथ वो पर्टिकुलर चीज़ हुई है, जो इंस्ट्रूमेंट, जो टूल यूज़ हुआ है, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विद. जैसे द डियर वॉज किल्ड बाय द लायन. समझ रहे हैं आप, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम विद वन शॉट, विद अ गन, विद एन एक्स ऐसे यूज़ करेंगे. बट बाय अ लायन, तो जब हम किसी लिविंग चीज़ की बात करेंगे तो हम बाय यूज़ करेंगे, तब हम विद यूज़ नहीं करेंगे. आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज सिंस, फॉर और फ्रॉम. सिंस कभी होता तो यूज़ होता है, इज़ यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर कभी यूज़ होगा, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. और फ्रॉम की किसी भी फॉर्म ऑफ टेंस के साथ यूज़ हो सकता है, कि फ्रॉम मतलब अब से. ठीक है, हिंदी में देखेंगे एग्जाम्पल्स. ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 2004, कि वो 2004 से यहाँ रह रहा है. She has been teaching in the school for 10 years. ठीक है, kindly grant me leave from today, आज से. ठीक है, beside और besides की बात करें, beside मतलब तुम्हारे साइड में, जैसे my friend was sitting beside me, मतलब मेरे साइड में बैठी है. ठीक है, besides मतलब in addition to, मतलब ये और ये तो है ही, इसके साथ ये भी है. For example, besides Peter and Reena, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से राम वॉज ऑल्सो देयर, कि उन दोनों को छोड़ के वो भी था, मतलब सब लोग थे बट वो भी थे और ये भी था. इस तरीके से जब आपको अपना सेंटेंस फ्रेम करना होता है तो आप बिसाइड यूज करते हैं. जैसे कम एंड सिट बिसाइड मी, ये तो आपका साइड वाला हो गया. देयर वर सिक्स ऑफ अस बिसाइड्स पीटर. ठीक है, पीटर को छोड़ के 6 लोग और थे, इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट इज अबव. अबव का मतलब हायर देन. ठीक है, मीन्स हायर देन. एग्जाम्पल देखेंगे, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स से ऊपर. आगे देखते हैं, ओवर अबव वर्टिकली कवरिंग. ठीक है, ऊपर होगा और वर्टिकली कवर करेगा. जैसे द शेल्व्स आर ओवर द सिंक. ठीक है, आफ्टर लेट इन टाइम सीरीज और इन परस्यूट ऑफ. सी मी आफ्टर डिनर, मतलब आफ्टर मतलब किसी चीज़ के बाद. पी कम्स आफ्टर क्यू, द कैट रन आफ्टर द माउस, मतलब उसके पीछे. दो मीनिंग्स निकल गए हमारे. बिलो मतलब लोअर लेवल पे, जैसे वी कुड नॉट फाइंड समथिंग बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर. अंडर वर्टिकली बिलो, मतलब डायरेक्टली जब नीचे होगी वो चीज़, बिल्कुल नीचे होगी वर्टिकली, तो हम. सेवेंथ, ही डज नॉट अग्री डैश मी डैश टू दिस मैटर. तो कैन यू नाउ टेल मी दिस वन, ही डज नॉट अग्री विद मी टू दिस मैटर. ओके, नेक्स्ट इज दे हैव बिन प्लेइंग डैश 4 o'clock, दे हैव बिन प्लेइंग सिंस 4 o'clock. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच. आपको ध्यान रखना है वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज दीपिकाज हेयर वॉज हैंगिंग डैश हर बैक डाउन हर बैक. ठीक है, सो आई होप आपको बेसिक समझ आ चुका. Okay, so now let's do this exercise C, in which we have to fill in the blanks with beside or besides. First is, besides being a surgeon, he was a famous writer. Ki wo surgeon to tha hi, saath ke saath ek famous writer bhi tha. Second one is your homework. Third, I don't want to go besides, it's too late. The fifth sentence, why can't there a temple dash a mosque? To ye wala bhi aapko khud karna hai, homework. Next we'll see the boy who sat beside him was his son. Next, the keys hung on the wall beside the door. Door ke side mein. Theek hai? Aur last wala bhi aapka homework hai, so kindly do it. Next is the D exercise, rewrite the sentences. Iske andar hume prepositions ko replace karke correct prepositions lagane hai. Dekhte hain. She is very interested with gardening. Nahi hota. With ke bajaye kya aayega? In gardening. ठीक है, इन गार्डनिंग. नेक्स्ट, वी मस्ट रीच द ऑफिस सिंस 8 AM. नो, एट 8 AM लिखो या फिर बिफोर, मतलब 8 AM से पहले या 8 AM पर हम पहुंच जाएंगे. आई मस्ट रिमेन हियर टिल सनसेट, अनटिल सनसेट यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट,
Beth is married with my cousin. Beth is married to my cousin. And the last four, you have to try yourself. We have done the first four. I want you to do the last four yourself. Next, some appropriate prepositions used after some important words. Jaise, he acted upon my advice. I am afraid of. He, 12th. Money is cause of all problems. This book consists of 50 pages. Taj Mahal is famous for beauty. He is honest in his dealings. He is jealous of my good fortune. Be kind to the poor. Okay, so now let's see the exercise. We have to take the help from the box and fill in the blanks. First, I have no interest in you. Second, he care for you. ठीक है? Next, the odd one out you have to do. All the odd numbers have to be done by you in your homework, and I am doing the even ones for you. She bargained with the fruit seller for apples. Be polite to your teachers. Be thankful to all. या फिर आप यहाँ पे कर सकते थे be thankful to your teachers और यहाँ पे कर सकते थे be polite to all. It's your choice. Both are correct. He was born. Okay, so next we have the F exercise. We have to complete the paragraph. One day we decided to go to the park with my dog. We never go to the park with my dog. He would be upset if he left him back home. After dinner, we got the leash and begin walking the way to the park. We saw a duck who was wading dash the water. The last five want you to try yourself. I have done how many for you? 1, 2, 3, 4, 5, 6 I've done for you. The rest you have to try yourself and you have to complete this given paragraph. Okay, so I'm sure you will be able to do it. So that's it for this chapter, everyone. Thanks for watching. I will meet you in the next video now. Till then, goodbye and take care.